हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे मेड इन जेई अनिकेत एनसीईआरटी पे। तो आज हम क्लास नाइन्थ की एक यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज है 14 जुलाई 2020 से स्टार्ट की गई है, क्योंकि मेरे को बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर आप मैथमेटिक्स की क्लास दे दीजिए, तो मैं अब आपको ऑनलाइन दे दूंगा, क्योंकि आपको अब घर आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और भी इस वीडियो को देख रहा है तो देख सकता है, मैं हिमाचल प्रदेश बोर्ड की आपको तैयारी करवाऊंगा और आपके जैसे कि सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम की। अब आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, इस पे आपको क्या याद रखना है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप पहले पढ़ेंगे नंबर लाइन, तो यहाँ पे लिखिएगा नंबर लाइन। मैथ में कभी भी आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, सिर्फ मीनिंग ही पूछेगा, आपको सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नंबर लाइन कोई पूछ ले, नंबर लाइन के लिए एक स्ट्रेट लाइन ली जाती है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ली जाएगी, ये बीच में इसका सेंटर पॉइंट है, इसको लेटेस्ट रिप्रेजेंट कर लिया मैंने जीरो से, जीरो आपका सेंटर पॉइंट होता है। यहाँ पे आपका आता है -1 -2 और इसका 1 2। अगर किसी को याद नहीं आता कि यहाँ पे 1 क्यों आ रहा है और यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, अब ये मेरा हैंड है, यहाँ पे देखिए हाथ है ये मेरा। अब आपको घर वाले क्या बोलते हैं कि खाना किस हाथ से खाइए, राइट हैंड से, क्यों, क्योंकि राइट का क्या इफेक्ट होता है, पॉजिटिव। तभी यहाँ पे क्या कहा है कि आपकी जो RHS होती है वो राइट हैंड साइड वो क्या होती है यहाँ पे पॉजिटिव, और LHS नंबर सिस्टम में क्या होती है नेगेटिव होती है। तो आपको इसमें यही चीज याद रखनी होती है कि ये रिजल्ट आगे को पॉजिटिव आएगा और यहाँ को नेगेटिव आएगा। अगर आपसे कल को कोई पूछ ले कि -1/2 बड़ा है, सॉरी -1 बड़ा है कि 1/2, कई बार क्या करते हैं मैक्सिमम 1/2। अब यहां से देखिएगा 1/2 कहां पे आएगा, जीरो से आगे ही आएगा 1/2, लेकिन अब देखिए -1 कहां पे है, आगे है, यहां मतलब इससे पीछे है, तो 1/2 बड़ा है। जो कोई भी डिजिट माइनस में होगी वो सबसे छोटी होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था भी नंबर लाइन आपको पढ़ाने की बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके आते हैं रेशनल नंबर को फाइंड करने के लिए। तो अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बाद में करवाऊंगा, इसके इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करवाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे बुक रख देता हूं मैं, यहाँ पे बुक में क्या पूछा है, फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में आपने क्या बताना है रैशनल नंबर के बारे में। तो यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है, जब कभी भी आपसे 6 रैशनल नंबर पूछ लिए जाए 3 एंड 4 के बीच में। अब मेरे को पूछा गया है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं कि फाइंड 6 रैशनल नंबर, अभी छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया 6 रैशनल नंबर 3 एंड 4 के बीच में, 3 एंड 4 के बीच में। अब यहाँ पे कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को याद रखें। ये है आपका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे 6 रैशनल नंबर पूछ लिए 3 एंड 4 के बीच में, तो यहाँ पे क्या रखना, अब यहाँ पे 6 रेशनल नंबर पूछे हैं, 6 रेशनल नंबर पूछे हैं, तो 6 से आगे जो कोई भी डिजिट आएगी, मतलब यहाँ पे अगर 4 भी पूछा होता तो आपने 5 से करना था, अगर यहाँ पे 6 है तो 7 से, अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे 7 पूछा होता तो आपने 8 से मल्टीप्लाई करना था इन दोनों डिजिटों को, लेकिन यहाँ पे 6 है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से, तो 3 7 21 और 4 7 28, ठीक है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर आएंगे इन दोनों के बीच में कौन कौन सी है, एक आएगा 22, एक आएगा 23, एक आएगा 24, एक आएगा 25, एक आएगा 26, एक आएगा 27, ये देखिए 3 3 6। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं अपने किसी भी रेशनल नंबर को, तो ऐसे आप फाइंड करेंगे। यहाँ पे अगर 5 दिया होता तो 6 से मल्टीप्लाई करना था, मतलब एक डिजिट आगे से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इस बात का याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, आप भी खुद कर लेंगे, मैं आपको ऊपर लिखवा देता हूं, जैसे कि ऊपर आपके क्वेश्चन आ गया, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 में। अब देखिए 5 पूछे हैं रेशनल नंबर इन्होंने कि 5 रेशनल नंबर बताइए। अब 5 के बाद मैंने क्या बोला है मल्टीप्लाई करना है 6, लेकिन यहाँ पे अपॉन में आ रहा है, तो अपॉन में मतलब यहाँ पे ये इस तरह से लिखना है, 3 6 18/30 और अब 4/5 है तो मल्टीप्लाई 6 से, और नीचे वाले के न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है 6 से और डिनोमिनेटर को भी, तो कितना आएगा 24 आएगा अपॉन 30। अब इनमें देखेंगे इनके बीच में 90/30 80/30 और 20 सॉरी
यहाँ पे आएगा 20 बाय 30, 21 बाय 30, 22 बाय 30 एंड 23 बाय 30। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं अपने किसी भी रेशनल नंबर को। तो इजी सा रेशनल नंबर था। और ये देखिए, हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इसको पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। और सीबीएसई में तो ऐसे ही ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें यार। लेकिन मैं इसका एक एग्जांपल करवा देता हूं आपको, जो आपके लिए होमवर्क है। तो आपने ये होमवर्क करके लाना है। तो इसके अब हम बुक से देखेंगे कि इसके एग्जांपल कैसे हैं। अब देखिए, सॉरी, यहाँ पे मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको। मान लो यहाँ पे कल को आपसे पूछ रहे कि नंबर लाइन में आप इसको कैसे शो करेंगे, नंबर लाइन सिस्टम में। अब मैं यहाँ पे इसकी बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेज को थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब मैं कैसे बताऊंगा, अब मेरे को पता है ये रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। अगर आपको कभी भी पूछ लिया जाए कि नंबर लाइन में शो करके बताइए कि नंबर लाइन में कैसे होगा, तो नंबर लाइन में ऐसे लूंगा मैं। मेरे को पता है यहाँ पे LHS में क्या आएंगे, 0। यहाँ पे LHS कितनी मर्जी लो, LHS मेरे को पता है नेगेटिव है। अब ये क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट है। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 बाय 30, 20 बाय 30, 21 बाय 30। अगर मान लो ये माइनस में होते तो इस साइड को आने थे, RHS को, इसलिए है क्योंकि ये रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको डेफिनेट कहता हूँ कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके बाद करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है इज 0 इज ए रेशनल नंबर, 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं। तो अब रेशनल नंबर की कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर इस फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। कभी भी आपसे ये क्वेश्चन 10th में पूछा जाएगा कि रेशनल नंबर किस कंडीशन में होता है, तो याद रखना कि पी अपॉन क्यू की जो क्यू की फॉर्म में जो होगा उसे रेशनल नंबर बोलेंगे। तो 0 यस लिखेंगे कि 0 आपका रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर मान लो आपको फाइंड करने के बोले, तो 0 क्या है, 0 आपका पॉजिटिव में भी आएगा, नेगेटिव में भी आएगा, क्योंकि 0 इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ए LHS साइड एंड राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे बोला है क्वेश्चन, देखिए, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू। अब इन्होंने कहा अगर आप इसको लिख सकते हो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में और पी एंड क्यू आपके इंटीजर है बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको क्या हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अब देखिए, सुनिए, अब 0/1 लिखूंगा, 0/2 लिखूंगा, 0/3 लिखूंगा, 0/4 लिखूंगा, तो इसका रिजल्ट आएगा 0। तो मतलब ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। अब मेरी एक नोट लिख लीजिए, केवल आपको समझाने के लिए इस नोट को लिखिएगा। 1/0 का मतलब क्या होता है, 0 नहीं होता है, उसका मतलब होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब उसकी कोई भी संख्या नहीं होती, मतलब इतनी डिजिट है, बहुत बड़ी डिजिट है। 1/0 इन्फिनिटी होता है, लेकिन 0/1 आपका 0 होता है, इस बात का याद रखिए। या यहाँ पे 2/0 या 3/0 वो इन्फिनिटी के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब नेचुरल, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होल नंबर होते हैं, एग्जैक्टली होल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो कलेक्शन होती है होल नंबर की, जो जितने भी एलिमेंट, अब मैंने जब ऐसे एक्चुअल में मैंने आपको जब क्लास में करवाया हुआ था, जो मेरे स्टूडेंट है, कि जो होल नंबर आपके होते हैं वो नेचुरल नंबर में भी रिप्रेजेंट होते हैं। तो आपने गूगल पे सर्च करना है कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। मैं यहाँ पे डिफाइन तो कर लूंगा लेकिन टाइम जाएगा, हमारी वेस्टेज है, लेकिन ये यस होते हैं, क्योंकि जो होल नंबर कंटेन करता है वही नेचुरल नंबर को कंटेन करता है। तो इसलिए ए को आप लिखेंगे ट्रू, लिखे, सॉरी, यहाँ पे वन डिजिट में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ। यहाँ पे ए की ऑप्शन आपकी क्या आएगी, सॉरी, वन की आएगी आपकी ट्रू। क्यों, क्योंकि एवरी होल नंबर इज इक्वल टू द नेचुरल नंबर। लेकिन इंटीजर आपके क्या होल नंबर होते हैं। अब इंटीजर आपके क्या होते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ, इंटीजर आपके पॉजिटिव भी हो जाते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन होल नंबर आपके कभी भी नेगेटिव नहीं होते, होल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, होल नंबर नेगेटिव नहीं है, इंटीजर क्या है, नेगेटिव है। तो क्या एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर होगा, नहीं होगा। तो सेकंड आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इंटीजर कभी भी होल नंबर का नहीं होते, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है,
एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये तो बिल्कुल फॉल्स है, कैसे है फॉल्स। अब यहाँ पे बोला एवरी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, अभी बताया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है आपका रेशनल नंबर, ठीक है। अगर आपका 1/2 होल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है, तो क्या होल नंबर होता है, होल नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं होता, डेसिमल फॉर्मेशन को लेता ही नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। जो रीजन अभी मैंने वीडियो में बताया उसको केवल लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट होते हुए, तो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होते हुए, लेकिन इस एग्जांपल को कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। फाइव रेशनल नंबर के लिए मैंने क्या बोला, फाइव है तो मतलब 6 से मल्टीप्लाई, एक डिजिट आगे से, 1 × 6 = 6, 2 × 6 = 12, तो ऐसे इन्होंने किया होगा। लेकिन यहाँ पे आपको मेथड समझ नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। जैसे कि 1 एंड 2 के बीच में देखना था हमने, तो 5 रेशनल नंबर, अगर 6 से करता है यहाँ पे 6, 2 × 6 कितना आता है 12, तो इनके बीच में आ जाएंगे 6, क्या आ जाएंगे, क्या 6 सॉरी 5, 5 रेशनल नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 5 रेशनल नंबर आ गए। सॉरी मैंने आपको 6 बताया लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ा कठिन फॉर्मूला बताया हुआ है, मैं इजिली तरीके से बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ तो मतलब एक डिजिट से आगे मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे 5 है तो मतलब एक डिजिट आगे से, तो यहाँ पे 1.1 आपकी कंप्लीट होते हुए